तो फाइनली गाइस आइकॉनिक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रोल ने बॉक्स ऑफिस पर जो तहलका मचा रखा है, जो तूफान मचा रखा है, जो तबाही मचा रखी है, बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख दिया है पुष्पा 2 द रोल ने। दोस्तों आज फिल्म का सिनेमाघरों में चौथा दिन है, यानी कि फिल्म का आज पहला संडे। और दोस्तों आज अपने पहले संडे को पुष्पा 2 द रोल सिनेमाघरों में जो कारनामा करके दिखा रही है वो शायद कभी आज तक आपने किसी फिल्म से नहीं सुना होगा। दोस्तों पुष्पा 2 द रोल बॉक्स ऑफिस पर कमाई तो कर रही है, लेकिन दोस्तों इस कदर कमाई कर रही है कि शायद कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक यह फिल्म पूरी तरह से हाउसफुल है भाई। नॉन हॉलीडे पर रिलीज होने के बाद कभी किसी फिल्म को इतना कलेक्शन करते हुए देखा है भाई? सच बताना, नॉन हॉलीडे पर भाई पुष्पा 2 द रोल रप्पा रप्पा, ये फिल्म नहीं भाई रप्पा रप्पा भाई, जानदार और शानदार ऐसी फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी भाई। दोस्तों आज पुष्पा 2 देख के आया मैं, अभी तक मैंने फिल्म देखी नहीं थी, सिर्फ लोगों की मुंह से सुना था, लेकिन दोस्तों मैंने स्टेटस भी लगाया आज, लेकिन आज मूवी देखी मैंने पुष्पा 2 भाई, एक नंबर। अल्लू अर्जुन नेशनल विनर अवार्ड एक्टर, क्या बात है भाई। पुष्पा 2 द रोल ने जो रंग जमाया है, थिएटर में एक भी सीट खाली नहीं थी, एक बंदा था भाई वो खड़ा हुआ था और वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया जब मूवी चल रही थी भाई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा एक काम कर तू मेरी सीट पे आके बैठ जा, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, लेकिन बस फिल्म देखने दे भाई। भाई क्या बात है, पुष्पा 2 द रोल बॉक्स ऑफिस पर जो इतिहास रच रही है, जो कमाई कर रही है, वो वाकई शानदार और काबिले तारीफ है। दोस्तों पुष्पा 2 फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है भाई। पुष्पा 2 द रोल मूवी नहीं है भाई, ये मूवी अगर किसी ने मिस कर दी ना तो मैं समझूंगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। पुष्पा 2 द रोल बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ ये फिल्म भाई, इतना ज्यादा तगड़ा एक्शन, इतना ज्यादा एटीट्यूड पुष्पा राज का भाई मैंने आज तक कभी किसी फिल्म में नहीं देखा भाई। ये तो हो गया मेरा रिव्यू, क्योंकि मैं आज फिल्म देख के आया, मैंने अपना रिव्यू आपको बता दिया, लेकिन फिलहाल बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। पुष्पा 2 द रोल ने सिनेमाघरों में 3 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुआ सिनेमाघरों में चौथा दिन चल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा 2 द रोल अपने पहले 3 दिनों में इंडिया के अंदर तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम सभी भाषाओं में टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा और आज अपने चौथे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म की 4 दिनों की जो टोटल कमाई है वो कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अल्लू अर्जुन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं और आपको भी पुष्पा 2 फिल्म पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें पुष्पा 2 द रोल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब से पुष्पा फिल्म देखी थी हमने, तभी से फिल्म का फैंस, दुनिया भर के फैंस बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और अब जब ये इंतजार खत्म हुआ है तो कुछ इस तरह खत्म हुआ है कि भाई कमाल कर दिया, माला माल कर दिया। तेलुगु लैंग्वेज की ये एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको इंडिया के अंदर 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा और मलयालम भाषा में ये फिल्म रिलीज हुई थी जो कि सुकुमार के डायरेक्शन में बनी थी। और तारीफ करूंगा भाई, तारीफ करूंगा, यहां बिना तारीफ के मैं नहीं रह सकता। सुकुमार का जो डायरेक्शन है ना फिल्म में वो कमाल का है। और दूसरी बड़ी बात, सिर्फ 2 बात कहूंगा मैं, सुकुमार का डायरेक्शन भाई कमाल का डायरेक्शन है और दूसरी बात पुष्पा राज यानी कि अल्लू अर्जुन की जो एक्टिंग है फिल्म में और फहाद फासिल की जो एक्टिंग है फिल्म में भाई गजब 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 भाई। फहाद फासिल और अल्लू अर्जुन पूरी फिल्म में ऐसी जान डालते हैं, ऐसा आपको बांधे रखते हैं कि भाई 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए आप नहीं हिल सकते। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल इस फिल्म में अहम किरदार में थे। फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। लेकिन दोस्तों अगर बात करें फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म का चौथा दिन है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात एक बार फिर से मैं कहूंगा कि नॉन हॉलीडे पर रिलीज होने के बाद कोई फिल्म इतनी बड़ी कमाई कभी नहीं कर सकती है। दोस्तों आने वाले टाइम में बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, बड़े सुपरस्टारों की फिल्में रिलीज होंगी। अगर हॉलीडे पर रिलीज हुई तो मैं कहूंगा कि चलो ठीक है,
लेकिन अगर नॉन हॉलीडे पर रिलीज होने के बाद अगर पुष्पा 2 जैसा कलेक्शन कर जाए तो भाई मैं कहता हूं कि वो बड़ी बात नहीं बल्कि इतनी बड़ी बात होगी कि भाई आप जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते। भाई मैं कहता हूं पुष्पा 2 द रोल अपने वर्किंग डेज पर जो कमाई कर रही है, क्योंकि फिल्म का थर्सडे यानी कि फिल्म का फर्स्ट डे, उसके बाद फिल्म का फ्राइडे यानी कि 2nd डे, और दोस्तों आज सैटरडे, पूरी तरह से छुट्टी नहीं थी। कल संडे है, आज संडे है तो आज पूरी तरह से हॉलीडे है। तो आज संडे को ये फिल्म क्या कमाई कर रही है, चलिए देखते हैं। तो पुष्पा 2 द रोल के अगर अभी तक के हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म का जो थर्सडे का यानी कि फिल्म का फर्स्ट डे का टोटल कलेक्शन था वो इंडिया के अंदर 176.60 करोड़ रुपए था, तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 294 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उसके बाद आते हैं फिल्म का दूसरा दिन। तो दोस्तों अगर दूसरे दिन के मैं ऑफिशियल कलेक्शन की बात करूं तो फिल्म ने अपने दूसरे दिन यानी कि फ्राइडे को 97.50 करोड़ यानी कि 97.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तेलुगु भाषा में फिल्म ने 29.10 करोड़ रुपए कमाए थे। हिंदी भाषा में फिल्म ने 59 यानी कि 59 करोड़ रुपए कमाए थे। तमिल भाषा में फिल्म ने 6.40 करोड़ रुपए कमाए थे। मलयालम भाषा में फिल्म का कलेक्शन 2 करोड़ रुपए का था और कन्नाडा भाषा में फिल्म ने 1 करोड़ रुपए कमाए थे। और कुल मिला के फिल्म की जो 2 दिनों की टोटल कमाई थी इंडिया के अंदर वो 274.10 करोड़ रुपए हो गई थी। तेलुगु भाषा में फिल्म ने अपने पहले 2 दिनों में 120.05 करोड़ रुपए कर लिए थे। हिंदी भाषा में फिल्म ने अपने पहले 2 दिनों में 131 करोड़ रुपए कर लिए थे। तमिल भाषा में फिल्म ने 14.10 करोड़ रुपए कर लिए थे। मलयालम भाषा में फिल्म ने 6.95 करोड़ रुपए कर लिए थे और कन्नाडा भाषा में फिल्म ने 2 करोड़ रुपए कर लिए थे अपने पहले 2 दिनों में। तो इंडिया के अंदर फिल्म का जो 2 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो 274.10 करोड़ रुपए था। वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 350 करोड़ रुपए था। ओवरसीज से फिल्म ने 99 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। और दोस्तों ऑफिशियली फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था पहले 2 दिनों का वो था 449 यानी कि 449 करोड़ रुपए। जा दोस्तों ये 2 दिनों का ऑफिशियल कलेक्शन है फिल्म पुष्पा 2 द रोल का 449 करोड़ पहले 2 दिनों में। आज तक इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी भी फिल्म ने नहीं बनाया है। अब दोस्तों बात आती है तीसरे दिन की, यानी कि कल फिल्म का तीसरा दिन था यानी कि सैटरडे, और दोस्तों अपने तीसरे दिन यह फिल्म 123.50 करोड़ रुपए करने में कामयाब रही। जहां दोस्तों अपने तीसरे दिन सैटरडे को फिल्म ने 123.30 करोड़ रुपए कमाए। तेलुगु भाषा में फिल्म का कलेक्शन रहा 35.60 करोड़ रुपए का। हिंदी भाषा में फिल्म ने कमाए 75.90 करोड़ रुपए। तमिल भाषा में फिल्म ने कमाए 8.50 करोड़ रुपए। मलयालम भाषा में फिल्म ने कमाए 2.30 करोड़ रुपए और कन्नाड़ा भाषा में फिल्म ने कमाए 1 करोड़ रुपए। तो अपने पहले यानी कि अपने पहले सैटरडे को जो फिल्म का तीसरा दिन था यानी कि जो कल का दिन था, फिल्म ने तीसरे दिन 123.30 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से नेट कमाए। तो फिल्म की जो 3 दिनों की टोटल कमाई है, अब दोस्तों यहां पे आप गौर कीजिएगा, 3 दिनों में पुष्पा 2 द रोल ने अपने पहले 3 दिनों में इंडिया के अंदर सभी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम, सभी भाषाओं में टोटल जो नेट कलेक्शन कर लिया है 3 दिनों में, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 3 दिनों का मिला के 397.40 करोड़ रुपए। क्या बात है भाई, 397.40 करोड़ रुपए अपने पहले 3 दिनों में सिर्फ इंडिया के अंदर, वो भी नेट कमाई। तेलुगु भाषा में फिल्म ने 155.65 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। हिंदी भाषा में फिल्म का जो कलेक्शन हुआ है वो 206.90 करोड़ रुपए का हो चुका है। तमिल भाषा में फिल्म ने 22.60 करोड़ रुपए की कमाई अपने पहले 3 दिनों में कर ली है। मलयालम भाषा में फिल्म ने 3 दिनों में 9.25 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और कन्नाडा भाषा में फिल्म ने 3 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो इस तरह से पहले 3 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है पुष्पा 2 द रोल का वो 397.40 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो 500 करोड़ रुपए हो चुका है। ओवरसीज से फिल्म ने 125 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और कुल मिला के फिल्म पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 3 दिनों में 625 करोड़ रुपए कर चुकी है। कभी आज तक आपने सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन पुष्पा 2 द रोल ये कर चुकी है। जा दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3 दिनों का पुष्पा 2 द रोल का 625 करोड़ रुपए। उसके बाद आता है फिल्म का चौथा दिन यानी कि आज का दिन यानी कि संडे का दिन। ये तो सबसे खास दिन था,
फिल्म ने कमाई की है अपने चौथे दिन आज कम से कम 160 करोड़ रुपए की, 160 करोड़ रुपए, 160 करोड़ फोर्थ डे यानी कि संडे को 160 करोड़। तो भैया फिल्म ने चार दिनों में इंडिया के अंदर 557 करोड़ 40 लाख रुपए नेट कमा लिए हैं, तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस टोटल कमाई है वो 845 करोड़ रुपए हो चुकी है। और दोस्तों अपने आप में एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर यानी कि वाइल्ड फायर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपने कौन से शहर और कौन सी सिटी में फिल्म पुष्पा 2 देखी है कमेंट में जरूर बताइएगा।